नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सविन, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड, आपका इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ प्री इस्लामिक अरब यानी इस्लाम के उदय से पूर्व वहाँ की पृष्ठभूमि यानी कि सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी, और उन्हीं के आगे चलकर इस्लाम धर्म का उदय हुआ और उसका प्रसार हुआ। इन्हीं सब बातों का अध्ययन अब हम अपने इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज। सोर्सेज में हैं सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स, जीवनी, पैगंबर हदीस के कहानियाँ और कर्मों के रिकॉर्ड और कुरान पर टिप्पणियाँ। डॉक्यूमेंट्स में है ईसाई इतिहास और कहानियाँ और कविताएँ, और इसके साथ में है यात्रा वृत्तांत और भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसा कि ये अरब एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, इसके उत्तर में सीरिया का रेगिस्तान तथा पूर्व में फारस की खाड़ी है। इस प्रकार अरब तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और इस तरह से समस्त अरब रेतीले पठारों और रेतीले मैदानों से भरपूर है। इस क्षेत्र में लगातार तेज हवाएं चलती रहती हैं। वहाँ का जीवन काफ़ी कठिनाई पूर्वक है, और अरब कई क्षेत्रीय प्रांतों में बटा हुआ था, जिनमें मुख्यतः हज्जाज, यमन, उस्मान, इन प्रांतों का इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और हज्जाज प्रांत का तो विशेषकर, इसके मुख्यतः तीन महत्वपूर्ण नगर थे, मक्का, मदीना, तैफ, जो इस्लामिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, वहाँ काफ़ी कठिनाई पूर्वक जीवन था। समस्त क्षेत्र मुख्यतः रेगिस्तान था, और वहाँ पर जो कृषि होती थी वो मुख्यतः वर्षा पर आधारित थी। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं अरब की सामाजिक स्थिति के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ। तो इस्लाम के उदय से पहले अरब की सामाजिक स्थिति, इस काल को वहाँ यानी जो इस्लाम से पहले का काल है उसको अज्ञानता या बर्बरता का युग यानी एज ऑफ इग्नोरेंस कहा गया है। मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व अरब में जाहिलिया अर्थात अज्ञानता या बर्बरता का युग प्रचलित था। इस युग में अरब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। सभ्यता तथा संस्कृति का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। समस्त अरब अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था। प्रोफेसर हिटी के अनुसार जाहिलिया युग आदम के युग से पैगम्बर मोहम्मद के युग तक विस्तृत है, पर विशेष रूप से यह इस्लाम के उदय से पूर्व की अवधि है। तो बच्चों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं वहाँ पर मतलब आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से पिछड़ा हुआ था, इसलिए इतिहासकारों ने इस काल को एज ऑफ इग्नोरेंस कहकर संबोधित किया है। अब हम देखते हैं सामाजिक विभाजन यानी सोशल क्लासिफिकेशन। इस्लाम के उदय से पूर्व अरब का समाज मुख्य दो वर्गों में विभाजित था। फर्स्ट है बदू अर्थात रेगिस्तान में खानाबदोशों का जीवन व्यतीत करने वाले लोग, और सेकंड है शहरी लोग जो दक्षिणी अरब में निवास करते थे। तो बच्चों, आज पहले हम पढ़ते हैं बदू के बारे में। बदू घुमक्कड़ जाति के बर्बर और असभ्य लोग थे। ये लोग चरागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। वे अपने साथ तंबू रखते थे और उन्हीं को अपना निवास स्थान बना लेते थे। रेगिस्तान के शुष्क रेत की भांति उनका जीवन भी अत्यंत शुष्क था। अरब की जलवायु उन्होंने अत्यंत कठोर और बर्बर बना दिया। इसके साथ साथ वे व्यापारी काफिलों का काम करते थे और कई बार आक्रमण करके उन्हें लूट लेते थे। बद्दू कहते थे, मुझ पर और मोहम्मद पर रहम करो, इसके अतिरिक्त किसी पर भी रहम न करो। जनसाधारण की तुलना में वो काफ़ी शारीरिक रूप से काफ़ी शक्तिशाली होते थे और काफ़ी कठोर उनको माना जाता था। इसके अलावा यदि हम शहरी लोग देखें तो शहरी लोग बढ़िया मकानों और पक्के मकानों में निवास करते थे। उनका जीवन स्थायी, शांति प्रिय तथा न्याय प्रिय था। उनका पहनावा, रहन सहन भी अच्छा था। वे व्यापार, वाणिज्य, कृषि और पशुपालन से अपना गुजर बसर करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शहरी लोग थोड़ा आर्थिक रूप से भी संपन्न थे, जबकि बद्दू खानाबदोशों जैसा व्यतीत जीवन करते थे। शहरी लोगों के जीवन में स्थायी जीवन था मतलब, और बदुओं के जीवन में कोई स्थायीपन नहीं था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ट्रैवल करते थे। अब हम पढ़ेंगे वहाँ की वंश व्यवस्था यानी डायनेस्टी सिस्टम।
वधुओं का समाज वंश व्यवस्था पर आधारित था। एक परिवार खेमा का प्रतीक था। प्रत्येक परिवार का अपना एक खेमा होता था। कई खेमों को मिलाकर एक डेरा बनता था जिसे हे कहा जाता था। हे में एक ही वंश तथा कौम के लोग होते थे। लगभग 100 कौमों को मिलाकर एक कबीला बनता था। इस प्रकार कबीले में एक ही वंश के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ रक्त संबंध में बंधे माने जाते थे। कुछ वंशों के नामों के आगे मात्र शक्ति का प्रयोग हमें देखने को मिलता था, लेकिन कुल मिलाकर वहाँ का समाज ज़्यादातर पुरुषवादी यानी पितर सत्तात्मक समाज हमने देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वहाँ पशुओं और संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े वहाँ पर होते रहते थे। इन लड़ाई झगड़ों का निपटारा एक सभा के द्वारा किया जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने रीति रिवाज होते थे। बद्दू लोग पवित्रता पर अधिक बल देते थे। वे कबीले को छोड़ना पाप समझते थे। और कोई व्यक्ति अपने कौम के किसी सदस्य की हत्या कर देता तो कोई उसकी सहायता नहीं करता। इसके साथ साथ वहाँ खून के बदले खून, आँख के बदले आँख का नियम प्रचलित था। परिणाम स्वरूप कई बार तो कई झगड़े काफ़ी वर्षों तक चलते थे। कौम के सदस्यों द्वारा ही कबीले के मुखिया का चुनाव यानी निर्वाचन किया जाता था। आमतौर पर सबसे बड़े बुजुर्ग को ही कबीले का मुखिया बनाया जाता, उसको शेख कहा जाता था। तो अब हम पढ़ेंगे महिलाओं की स्थिति। तो वहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ पे बहु पत्नी व्यवस्था समाज में प्रचलित थी, यानी एक पति काफ़ी पत्नियों से शादी कर सकता था। इस्लाम से पहले अरब में काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं थी। उनको केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखा जाता। शिक्षा का अधिकार उनको नहीं था और केवल महिलाओं को भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था। पुत्री का जन्म विपत्ति का सूचक माना जाता था। बद्दुआ अपनी पुत्रियों को गरीबी या अन्य कारणों से मार डालते थे। मोहम्मद साहब ने भी कुरान में लिखा है, और अपने बच्चे को गरीबी के डर से न मारो, मैं तुम्हारी और उनकी जीविका का प्रबंध करता हूँ। उनकी जान मारना निश्चित रूप से ही जघन्य अपराध है। हालांकि इस प्रकार से हम देखते हैं इस्लाम के उद्देश्य पूर्व अरब में महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, परंतु वहाँ घर के अंदर महिलाओं का सम्मान किया जाता था और उनको एक अधिकार प्राप्त था कि वो भी पुरुषों को तलाक दे सकती थी। इस प्रकार से हमने यहाँ पढ़ा कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति थी। अब हम पढ़ेंगे इस्लाम के उद्देश्य पूर्व अरब की आर्थिक स्थिति। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि उस समय जो व्यापारिक मार्ग थे, दो व्यापारिक मार्ग चल रहे थे, एक तो फारस की खाड़ी से होकर और दूसरा लाल सागर से होकर। फारस की खाड़ी के ऊपर दो साम्राज्य यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य और पर्शियन अंपायर वेस्ट एशिया, इनका व्यापारिक संघर्ष चल रहा था, जिसका कारण सारा जो व्यापार वो डाइवर्ट हुआ लाल सागर की तरफ और इनका सबसे ज़्यादा फायदा मिला अरबवासियों को। इसके अलावा वहाँ की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार पर डिपेंड होती थी। तो अब हम पढ़ेंगे कृषि। इस्लाम के उदय से पूर्व अरब की अर्थव्यवस्था संगठित नहीं थी। वहाँ की अधिकतर भूमि मरुस्थलीय थी, वहाँ वर्षा कम होती थी, लेकिन वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। वहाँ कृषि मुख्यतः ऊँट की सहायता से की जाती थी। अरब की कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर होती थी। मरुभूमि होने के कारण अरब में शुष्क फसलें ज़्यादा उगाई जाती थी। अरब के लोगों का मुख्य भोजन खजूर था, इसलिए वहाँ पर खजूर बहुत मात्रा में उगाया जाता। बद्दू लोग खजूर और ऊँटनी के दूध की खीर बनाकर खाते थे, यानी खजूर और ऊँट का उनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। मोहम्मद साहब ने भी इसके बारे में कहा है, अपनी चाची यानी खजूर की इज्जत करो, यह उस मिट्टी से बना है जिससे आदम बना है। अरब के साहित्य में भी खजूर के महत्व को लेकर काफ़ी जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं। खजूर को पेड़ों की रानी कहकर संबोधित किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वहाँ मुख्यतः कृषि की जाती वो खजूर की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी फसलों जैसे अंगूर, जैतून आदि की भी कृषि की जाती थी। अब हम पढ़ेंगे पशुपालन। कृषि के अतिरिक्त अरब के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। बदुओं में पशुओं का काफ़ी महत्वपूर्ण था। वहाँ
काफ़ी ज़्यादा महत्व तो स्पेशली देखा जाए तो ऊँट पे था। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा गया है। ऊँट अरब में समृद्धि और संपन्नता का सूचक माना गया है। बधुओं का जीवन तो पूरी तरह ऊँटों पर ही निर्भर था। कुछ इतिहासकारों का मानना है जब रेगिस्तान में पानी मिलना दुर्लभ हो जाता तो वे ऊँट की सहायता से पानी पी लेते, ऊँट का मांस खाते और उनका ऊँटने का दूध पीते। मरने के बाद उसकी खाल तथा बालों से जूते, तंबू, वस्त्र, कंबल आदि बनाए जाते। ऊँटों के धार्मिक अवसर पर बलि ही दी जाती। इसके साथ साथ अरब के लोग स्वयं को ऊँट की संतान कहलवाने में गौरव महसूस करते थे। ऊँट का आर्थिक महत्व तो भी बहुत अधिक था। लोग इसे यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। अरबी लोग ऊँटों के काफिले में एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर व्यापारिक यात्राएं भी करते थे। खलीफा उमर ने भी आगे कहा, अरबवासी वहीं फलते फूलते हैं जहां ऊँट होता है, तो इस समय वहां पर सभी नस्लों के ऊँट देखने को मिलते थे। छठी शताब्दी में अमान प्रसिद्ध ऊँटों का व्यापारी केंद्र था और इस प्रकार से हम देखते हैं वहाँ कृषि में खजूर और पशुओं में ऊँट का काफ़ी महत्व था क्योंकि वो डायरेक्टली उनके जीवन से जुड़ा हुआ था। अब हम पढ़ेंगे अरब में व्यापार तथा वाणिज्य। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, उस समय दो मुख्य व्यापारिक मार्ग थे। एक तो फारस की खाड़ी से होकर जाता था, दूसरा लाल सागर से होकर जाता था। जो फारस की खाड़ी से होकर जाता था वहाँ दो साम्राज्यों के बीच में संघर्ष, यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य और पर्शियन अम्पायर वेस्ट एशिया के बीच में दमन था, जिसका सीधा फायदा अरबवासियों को हुआ और उन्होंने अपने को आर्थिक संपन्न ज़्यादा किया। हालांकि इसके साथ साथ स्थलीय मार्ग द्वारा भी व्यापार किया जाता था। लोग ऊँटों के कारवों में मसाले, वस्त्र, खजूर आदि विभिन्न वस्तुओं को लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते थे। कुछ व्यापारिक काफिले वस्तुओं को मक्का, मदीना, तैफ, दमिश्क आदि प्रदेशों तक पहुंचाते थे। मक्का उस समय का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। मक्का के काबा पर हर वर्ष काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री इकट्ठा होते और अपना व्यापार करते। वहाँ मुख्यतः व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था क्योंकि उस समय वो अरब में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी वस्तु के बदले वस्तु का सिस्टम वहाँ पे था, उसी से व्यापार किया जाता था। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ कई अन्य नगर भी उभर कर आए, जिनमें से हम मुख्यतः देखते हैं आमान, दमिश्क, सज्जात, मदीना आदि नए नगरों का उत्थान हुआ। ये नगर व्यापार के साथ साथ कला और संस्कृति के प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं। अरब के व्यापारियों का दूसरे व्यापारियों से संपर्क होता था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका आर्थिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए और उनको काफ़ी लाभ हुआ। अरब के लोगों के व्यापारिक संबंध भारत, ईरान, इराक, मिस्र आदि देशों के साथ थे। इसके साथ साथ भूमध्य सागरीय देशों के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने व्यापार के द्वारा, चाहे वो जलमार्ग हो चाहे थलमार्ग के द्वारा, काफ़ी लाभ कमाया और अपनी आर्थिक संपन्नता को आगे बढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे इस्लाम से पूर्व अरब की धार्मिक स्थिति। वहाँ काफ़ी अच्छी धार्मिक स्थिति नहीं थी। वहाँ पे मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा, अंधविश्वास और पक्षियों की पूजा पर बल दिया जाता था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, अरब का समाज दो मुख्य वर्गों में विभाजित था, बदू और शहरी लोग। बदू का कोई निश्चित कोई धर्म नहीं था उससे पहले। वो मूर्ति पूजा में विश्वास हालांकि रखते थे, जैसा हमने आपको पहले बताया। इस्लाम के उदय से पूर्व का जो समाज था वो कई जनजातियों में बटा हुआ था। हर जनजाति का अपना एक देवता होता था, उसमें उसकी मान्यता होती थी। इसके साथ साथ वहाँ अनेक देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करते थे। वहाँ हबूल नामक देवता काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता, जिसकी कल्पना मनुष्य से की जाती थी। इस्लाम के उदय से पूर्व हज्जाज के लोग अल्लाह की तीन पुत्रियाँ, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलजा, अलत, अलमना की उपासना बहुत ही श्रद्धा भाव से करते थे। अलमना को भाग्य की देवी कहकर संबोधित किया जाता, अलजा को शक्तिमान, शुक्र और प्रातः नक्षत्र की देवती माना जाता। इसके साथ साथ अरबवासी हर वर्ष उकाज नामक मेले में भाग लेते थे जो मक्का में लगता था, और वहाँ काले पत्थर को चूमना और काबा के चारों ओर
घूमना वहाँ के मुख्य धार्मिक रीति रिवाज का एक अंग बन गया था। यह सब इस्लाम में पहले से परंपरा थी जो अरबवासियों को विरासत में प्राप्त हुई। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हज पे जाते हैं और वहाँ की परिक्रमा करते हैं, तो यह व्यवस्था वहाँ पर इस्लाम के उदय से पहले प्रचलित थी। इसको यूं का यूं वहाँ के समाज में रखा गया। वहाँ काफ़ी पूजा की जाती थी और वहाँ मुख्यतः अल्लाह नामक देवता की उपासना की जाती थी। सफ़ा नामक अभिलेख में उल्लेख है, अल्लाह नामक देवता का वर्णन है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह देवता अल्लाह का प्रतीक माना जाता था। मोहम्मद साहब के पूर्वज भी अल्लाह के उपासक थे। इसी देवता के नाम पर मोहम्मद साहब के बचपन का नाम अब्दुल्ला रखा गया और उनके इस नाम के पीछे अल्लाह शब्द आता है। अब हम देखेंगे प्रकृति पूजा। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा, अरब इस्लाम के उदय से पूर्व अरब के लोग मूर्ति पूजा में ये विश्वास रखते थे। इसके साथ साथ वो प्रकृति पूजा में भी विश्वास करते थे और प्राकृतिक देवी देवताओं की वो उपासना करते थे। बधुओं के नक्षत्र चंद्रमा पर आधारित थे, अतः वे चंद्रमा की उपासना करते थे। हालांकि कृषक लोग सूर्य की उपासना करते थे, परंतु बुद्धू सूर्य की उपासना नहीं करते थे। उनका विश्वास था सूर्य उनके पशुओं, पेड़ पौधों, घास, यहाँ तक कि उन्हें भी जलाकर मार डालेगा, परंतु चंद्रमा में उनकी गहरी आस्था इसलिए थी वह रात्रि को रोशनी प्रदान करता और ओस से पेड़ पौधों की वृद्धि में मदद होती। इसके साथ साथ अरब के लोग कुआं, झरनों, नदी, नालों, गुफाओं आदि की भी उपासना करते थे। उस समय अरवा कुएं का जल काफ़ी पवित्र माना जाता था, जिसके कंपैरिजन यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें तो जैसे यहाँ पर गंगा नदी के जल को काफ़ी पवित्र माना जाता है, तो उस समय के अरब में अरवा कुएं के जल को काफ़ी पवित्र माना जाता था। इसके साथ साथ वहाँ पर काफ़ी अंधविश्वास फैले हुए थे धार्मिक रूप से। वहाँ पे देवताओं को अच्छी आत्माएं माना जाता है, इसके साथ साथ वो जिन आदि को दुष्ट आत्माएं भी मानते थे। वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं तथा मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। पशुओं में ज़्यादातर ऊँट की बलि चढ़ाई जाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि वैसे जीवन में ऊँट का महत्व है तो आगे मृत्यु के बाद भी ऊँट का काफ़ी महत्व है और उनको ऊँट की सवारी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ वहाँ पक्षियों की बात की जाए तो वहाँ पे मुख्यतः गिद्ध की उपासना मुख्यतः की जाती थी। अतः हम यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से अरब के लोग बहुत देवतावादी थे और वहाँ पे मूर्ति पूजा थी। जैसा कि बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, इस्लामिक एक ईश्वरवादी यहाँ यानी एक अल्लाह यानी एक ईश्वर की निराकार भक्ति की परिकल्पना है, यानी ईश्वर का रूप निराकार है और यहाँ मूर्ति पूजा का महत्व नहीं है। लेकिन इस्लाम के उदय से पहले वहाँ मूर्ति पूजा प्रचलित थी। हर कई कबीलाई समाज अलग अलग उनका एक देवता होता था और उसकी उपासना वो करते थे। अब हम पढ़ेंगे इस्लाम के उदय से पूर्व अरब की राजनीतिक स्थिति। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि अरब में एक केंद्रीय सत्ता का एक अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप अरब समाज कई कबीलों में बटा हुआ था और आपस में उनका दमन था। फिर भी जैसा कि हमने आपको बताया, वहाँ का विभाजन मुख्यतः दो वर्गों में था, एक था बद्दू, दूसरे था शहरी लोग। बद्दू लोगों में कबीलाई व्यवस्था थी, उसी के द्वारा उनका समस्त चलता था। दूसरी तरफ शहरों में एक परिषद कार्य करती थी और अपने कार्य को आगे बढ़ाती थी। इस प्रकार से पहले हम पढ़ेंगे कबीलाई प्रशासन, यानी कि एक परिवार से मिलकर खेमा का निर्माण होता था, कई खेमे मिलाकर डेरा और डेरे से कबीला बनता था और उसके मुखिया को शेख कहा जाता था। जैसे कबीले के अंदर रहना प्रत्येक बद्दू अपना पवित्र कार्य समझता था, वे कबीले को छोड़ना पाप समझते थे। कबीले उनकी जीवन शक्ति का एक केंद्र बिंदु था। संपत्ति को लेकर उनमें काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ऐसे लड़ाई झगड़ों का निपटारा एक सभा के द्वारा किया जाता था। सभा के सदस्य कबीले के लोग ही होते थे। प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था, जिसका निर्वाचन सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता था। आमतौर पर वह सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति होता था। वह कबीला के लोगों की देखभाल करता था। प्रोफेसर हिट्टे के अनुसार उनमें खून के बदले खून और आँख के बदले आँख का नियम प्रचलित था। बदुओं में एक दूसरे के प्रति बदले की भावना बहुत प्रचलित थी। शत्रु से बदला लेना ही वास्तविक
दंड था। उनका काफ़ी दुश्मनी उनको देखने को मिलती थी और उनके कई बार उनके संघर्ष काफ़ी वर्षों तक चलते रहते थे। तो इस प्रकार से हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार से उनका कबीलाई प्रशासन कार्य करता था। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से शेख का निर्वाचन किया जाता था, यानी हम यदि इसका कंपैरिजन भारतीय इतिहास के संदर्भ में करें, जैसे उत्तरवैदिककालीन में सभा और समिति होते थे, वहाँ मुख्य निर्वाचन मिलकर किया जाता था और सबसे बड़ी उम्र यानी सबसे जो बुजुर्ग होता था उसको कबीला का मुखिया माना जाता था। वैसी व्यवस्था यहाँ के समाज में थी, जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता था उसको अपना मुखिया माना जाता था। लेकिन वहाँ उत्तराधिकारी का नियम नहीं था कि जो एक बार मुखिया बन गया उसी के बाद उसके सदस्य मुखिया बनेंगे। क्या होता था, जैसे कोई मुखिया बन गया, जैसे उसकी मृत्यु हो गई, तो जो कबीला बच गया उनमें जो सबसे बुजुर्ग है उसको हम अपना मुखिया मान लिया जाता था, उसको शेख कहा जाता था। और कई बार मुखिया गलत कार्य करता तो उसको अपने पद से हटा दिया जाता था। और आमतौर पर बद्दू अपने शेख की आज्ञाओं का पालन करते थे। अब हम बच्चों पढ़ेंगे शहरी प्रशासन, यानी शहरों में किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था थी उसका अध्ययन अब हम करेंगे। अरब के शहरों में एक राजनीतिक संगठन तथा शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव था। हालांकि नगरों के लोगों में राजनीतिक सूझबूझ देखने को मिलती। उस समय अरब में मक्का, मदीना, तैफ आदि प्रसिद्ध नगर थे। काबा में पत्थर था जिस पर हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री अपनी आस्था प्रकट करने आते थे। और कुरैश कबीला लगभग 12 पीढ़ियों से इस काबे की देखभाल करता। आजकल काबा का जो छोटा सा कमरा है उसका निर्माण मोहम्मद साहब ने युवा अवस्था में करवाया था। कुरैश नामक व्यक्ति के पूर्वजों ने काबा के चारों ओर मक्का नामक नगर बसाया और इस कबीले ने व्यापार और वाणिज्य में भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। पश्चिमी देशों से भारत और दक्षिण अरब तक के व्यापार पर इस वंश का एकाधिकार समाप्त हो गया और अरब वासियों ने व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की। और मक्का में माला नामक परिषद एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करती थी और वहाँ समस्त निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे। मदीना को यत्रीब कहा जाता था। जाहलिया युग में मदीना नगर के स्थान पर बस्तियों का समूह बना हुआ था। इतिहासकारों का मानना है यहाँ पर सबसे पहले यहूदी आकर बसे, इसके बाद ही अरब जातियाँ वहाँ पर बसी। अतः कहा जाता है कि अज्ञानता के युग में अरब के लोगों में राष्ट्रीयता तथा राजनीतिक चेतना का पूर्णतया अभाव था। उस समय जैसे कि पूरी तरह से सामाजिक संगठन का उत्थान नहीं हुआ था, हालांकि उसकी शुरुआत हो चुकी थी। जैसे कि बदुओं का अपना अपना प्रशासन था जो वंश परंपरा पर आधारित था। उन्होंने सार्वभौमिक सिद्धांत तथा निश्चित दंड कानून का पालन नहीं किया, बल्कि उनके अपने निजी नियम कानून होते थे उनका वो पालन करते थे। बदुओं का राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर नीचा था, उनमें राष्ट्र की भावना उत्पन्न नहीं हुई। हालांकि उनमें भाईचारे और समानता का अभाव था और वो आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ का आर्थिक जीवन काफ़ी आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति थी। अब हम देखेंगे निष्कर्ष, यानी कि इस्लाम के उदय से पहले अरब एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। वहाँ के समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति में पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का बोलबाला था। केंद्रीय सत्ता का अभाव था। अरब के लोगों में राष्ट्रीयता तथा राजनीतिक चेतना का भी अभाव था। इन्हीं सब परिस्थितियों में मोहम्मद साहब का जन्म होता है, जिन्होंने इस्लाम के रूप में अरब के लोगों को एक नया मार्ग, एक नई राजनीति के रूप में अरब के लोगों को एक नई सभ्यता से परिचित करवाया और अरब के पिछड़े हुए क्षेत्र को विश्व मानचित्र पर जगह दिलाई। किसी भी धर्म के उद्भव में धार्मिक कारण तो होता ही है, उसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी ये काम करते हैं। इन्हीं सब का अध्ययन हमने इस लेक्चर में किया। और अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, यानी जो हमने अभी तक, जैसे कि हमने पढ़ा अरब के इस्लाम से पहले अरब के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में कि वहाँ का सामाजिक स्थिति कैसे थी, आर्थिक स्थिति में क्या था, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से वहाँ उनका प्रशासन कार्य करता था।
और आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से वो कृषि में खासकर खजूर और पशुपालन में ऊंट और व्यापार में किस प्रकार से वो व्यापार करते थे और अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। तो अब हम देखते हैं दो क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इस्लाम के उदय से पूर्व अरब की सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन है, इस्लाम के पूर्व अरब की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। जैसा कि हम सामाजिक स्थिति में हमने अभी तक पढ़ा कि वहाँ का समाज इस्लाम के उदय से पूर्व का जो काल था उसको वहाँ के इतिहास में एज ऑफ इग्नोरेंस यानी बर्बरता और जाहिलियत का युग कहकर संबोधित किया है इतिहासकारों ने। यानी वहाँ का क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था और वहाँ मुख्यतः वर्ग विभाजन दो भागों में था। एक थे बद्दू जो मुख्यतः खानाबदोश और शहरी जीवन व्यतीत करते थे, दूसरे थे शहरी लोग जो दक्षिणी अरब में निवास करते थे और व्यापार के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। और किस प्रकार से उनकी जो डायनेस्टी पॉलिसी थी, जो उनकी वंश परंपरा थी, किस प्रकार से वो कार्य करते थे, उनका अध्ययन हमने इस लेक्चर में किया। जैसे पहले परिवार, कई परिवार मिलकर एक डेरा बनता था, डेरे से किस प्रकार एक कबीला बनता था और कैसे उस कबीले के मुखिया का निर्वाचन किया जाता था, उसको शेख कहा जाता था, इसका अध्ययन हमने इसमें किया। उसके बाद हमने यहाँ देखा महिलाओं की स्थिति कि किस प्रकार से यहाँ महिलाओं की स्थिति थी, उनको कितने अधिकार उनको प्राप्त थे, उन्हें केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, काफ़ी कम सम्मान था, उनको घर की चारदीवारी तक सीमित रखा जाता था। हालांकि उनको एक दो अधिकार प्राप्त थे, जैसे वो पुरुषों को अपने पुरुष को तलाक दे सकती थी। इस प्रकार से वहाँ का सामाजिक सिस्टम हमने यहाँ पढ़ने का प्रयास किया। और धार्मिक स्थिति में हम देखें तो वहाँ मुख्यतः मूर्ति पूजा थी, वहाँ कबीलाई समाज अपने अपने देवी देवताओं की उपासना करता था, मूर्ति पूजा व्यवस्था थी। इसके साथ साथ वहाँ प्रकृति की पूजा पर बल दिया जाता था और अंधविश्वास भी थे, और मतलब बलि दी जाती थी ऊँट की, क्योंकि उनका ये मानना था इस जीवन में यदि ऊँट की हमें इतनी आवश्यकता है तो आगे आने वाले जीवन में भी, मृत्यु के बाद भी हमें आगे जाने के लिए ऊँट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुदेवतावादी समाज था और वहाँ कई देवताओं की, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर पूजा की जाती थी। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इतना ही पढ़ना है कि कैसा वहाँ का समाज था, कैसी उनकी धार्मिक स्थिति थी। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी कि इस्लाम के उदय से पूर्व अरब की राजनीतिक धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। जैसा कि हमने राजनीतिक स्थिति में हमने पढ़ा था कि वहाँ का समाज कैसे दो वर्गों में विभाजित था, एक तो था कबीलाई समाज जिनमें बद्दू थे, दूसरा था शहरी लोग जो अरब के दक्षिणी भाग में निवास करते थे। बदुओं में प्रशासन जैसे परिवार मिलकर डेरा बनता था, डेरे से किस प्रकार से पूरे कबीले का निर्माण होता था और किस प्रकार से कबीले का मुखिया कार्य करता था, उसका निर्वाचन किस प्रकार होता था। वहाँ सार्वभौम का सिद्धांत प्रचलित नहीं था, यानी वो अपना मुखिया अपने में से ही चुनते थे। यानी कि यदि कोई मुखिया है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी संतान यानी उसका बेटा मुखिया नहीं बनेगा, जो बच गए उनमें से जो सबसे बुजुर्ग है वही उसी को मुखिया मान लेते थे। यदि कोई मुखिया गलत कार्य करता तो उसको अपने पद से हटा दिया जाता और उसके बाद जो सबसे बुजुर्ग है उसको अपना मुखिया मान लिया जाता था। इसी प्रकार से यदि हम शहरों में राजनीतिक प्रशासन की बात करें तो बदुओं के कंपैरिजन में थोड़ा उन्नत थे, लेकिन ज़्यादा भी काफ़ी उन्नत नहीं थी। वहाँ पे एक माला परिषद थी जो उनके जो व्यापारिक मतभेद होते थे और जो सामाजिक राजनीतिक थोड़े बहुत मुद्दे होते थे उनको सुलझाने में मदद करती थी। हालांकि वहाँ एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था, तो ना कोई वहाँ पे न्यायालय व्यवस्था थी कि विवाद हो जाए तो उसका निपटारा हम वहाँ पे जाके कर सकें। तो इन सभी का निपटारा इस माला परिषद यानी माला सभा में किया जाता था। और इसके अलावा जो बदुओं में जो विवाद का निपटारा, वो जो कबीलाई जो उनकी सभा होती थी जिसका मुखिया शेख होता था, वहाँ आपस में बैठकर वो सभी वाद विवाद को समझने का प्रयास करते और उनको सुलझाने का प्रयास करते। और बच्चों, लास्ट में हम देखते हैं आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में जैसे हमने बताया वहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर थी। व्यापार जिसमें हमने आपको बताया उसमें व्यापार मुख्यतः दो जलमार्ग थे, एक तो होके जाता था फारस की खाड़ी से, दूसरा होके जाता था लाल सागर से। जो फारस की खाड़ी वाला व्यापारिक मार्ग था वहाँ पे दो साम्राज्यों यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य और पर्शियन एम्पायर वेस्ट एशिया में व्यापारिक
द्वंद्व चल रहा था जिसका सीधा फायदा अरबवासियों को मिला, और जो लाल सागर से होने जाना व्यापार था, व्यापारिक मार्ग था, उनके ऊपर इनका व्यापारिक एकाधिकार था जिससे अरबवासियों ने काफ़ी लाभ कमाया। इसके साथ साथ हम देखते हैं किस प्रकार से कृषि वहाँ, कृषि मुख्यतः खजूर की कृषि कहा जाता था। खजूर को वहाँ मतलब पेड़ों की रानी कहकर संबोधित किया गया। खजूर का उनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था और उनकी दैनिक शैली का वो खाने में एक मुख्य भाग था। दूसरा हम देखते हैं पशुपालन, पशुओं में ऊँट का काफ़ी महत्व था। खलीफा उमर ने भी कहा है कि अरबवासी वहीं फलते फूलते हैं जहाँ ऊँट होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि में खजूर, पशुओं पालन में ऊँट का उनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी आर्थिक संपन्नता को आगे बढ़ाया। और बच्चों, हमने पढ़ा किसी भी धर्म के उद्यमों में धार्मिक कारण तो होता ही है, उसके साथ साथ एक सोशियो इकोनॉमी फैक्टर भी काम करते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा किसी धर्म से पहले, इस्लाम के उदय से पहले वहाँ किस प्रकार से सोशियो इकोनॉमी बैकग्राउंड था, काम कर रहा था, उसने नए धर्म को कैसे पुश किया आगे आने में। और इस प्रकार से मोहम्मद साहब ने आगे चलकर विभाजित अरब को एक झंडे तले, यानी इस्लाम के झंडे तले पूरे अरब को संगठित करने का प्रयास किया और इस्लाम धर्म को फैलाया। जैसा कि हमें पता है, आज पूरे विश्व में हर दूसरा व्यक्ति इस्लाम धर्म का अनुयायी है। जो मोहम्मद साहब ने जिसकी शुरुआत की थी, वो आज इस स्वरूप में आ चुका है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम आशा करते हैं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। Dear students, here are some questions related to rise of Islam, socio-political background of pre-Islamic Arabia. Question number one, describe any five teaching of Islam. Question number two, describe the geographical condition of Arab before the rise of Islam. Question number three, describe the life of Badus before the rise of Islam. Question number four, explain the political and religious condition of Arab before the rise of Islam. That's all for today.